आज हम बातें करने वाले हैं एक वैसे व्यक्ति की जो अपने राज्य के लिए अपना आत्मसमर्पण कर दिए थे। वो अकेले अंग्रेजों के साथ लड़कर कोसल राज्य यानी पश्चिम उड़ीसा को आज़ादी दिए। वो और कोई नहीं उड़ीसा के प्रतिष्ठित स्वतंत्र संग्राम वीर सुरेंद्र साय। तो चलिए जानते हैं वीर सुरेंद्र साय के बारे में। वीर सुरेंद्र साई का जन्म 23 जनवरी 1809 को ओडिशा के संबलपुर के उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर दूर खेड़ा नामक गांव में हुआ था। वह धर्म सिंह की 7 संतानों में से एक थे। परिवार संबलपुर राज्य के शासक कविले का हिस्सा था। वह संबलपुर के शासक मधेकर साई के पुत्र अनिरुद्ध साई द्वारा शुरू की गई शाखा से संबोधित थे। सुरेंद्र साई संबलपुर के चौथे चौहान राजा मधुकर साई के सीधे वंशज थे और इसलिए 1827 में राजा महाराज साई के निधन के बाद संबलपुर के राजा के रूप में ताज पहनाए जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में पात्र थे। पश्चिमी उड़ीसा उप कोसल क्षेत्र में सुरेंद्र साई को अर्थ देवता का दर्जा प्राप्त है। सुरेंद्र साई और उनके सहयोगी माधो सिंह, पूजल सिंह, हेरी सिंह, वेरी सिंह, उडंत साई, उज्ज्वल साई, सुदेश्वर धाओ, सालिग्राम बरिया, गोविंद साई, पहाड़ साई, राजीव घसिया, कमर सिंह, हाथी सिंह, मृत्युंजय पाणिग्राही, जगबंधु होता, त्रिलोचन पाणिग्राही और कोई अन्य लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया और ब्रिटिश शासन से कुछ समय के लिए कोसल क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों की सफलतापूर्वक रक्षा की। उनमें से ज्यादातर अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ते हुए मर गए। उनमें से कई को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अंडमान से सेलुलर जेल में कुछ की मृत्यु हो गई। 28 फरवरी 1884 को सुरेंद्र साई की सूद असीरगढ़ जेल में मृत्यु हो गई। 1827 से संबलपुर के शासक राजा महाराज साई की बिना किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उनकी विधवा रानी मोहन कुमारी को राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अशांति फैल गई और मान्यता प्राप्त शासक और अन्य के बीच संघर्ष बढ़ गया। संबलपुर के सिंहासन का दावेदार सुरेंद्र साई शासक वंश के वंशजों में से एक होने के नाते सबसे प्रमुख दावा था। समय के साथ रानी मोहन कुमारी आलोकप्रिय हो गई। उनके भू राजस्व नीति ने गोंड और ब्रिजल आदिवासी जमींदारों और प्रजा को संतुष्ट नहीं किया, जिन्हें अंग्रेजों को सत्ता के नुकसान का संदेह था। ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी मोहन कुमारी को सत्ता से हटा दिया और शाही परिवार के वंशज नारायण सिंह को संबलपुर का राजा बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकारी के लिए सुरेंद्र साई के दावे की अनदेखी की। नारायण सिंह के शासन में विद्रोह छेड़ दिया। सुरेंद्र साई और उनके करीबी सहयोगियों गोंड जमींदारों ने कई अशांति पैदा की। ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक मुठभेड़ में सुरेंद्र साई, उनके भाई उदन साई और उनके चाचा बलराम सिंह को पकड़ लिया गया और वहीं हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहां बलराम सिंह की मौत हो गई। 1849 में राजा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। लेप्स के सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड डेलहौसी ने 1849 में संबलपुर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि नारायण सिंह के उत्तराधिकारी के लिए कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने सुरेंद्र साई और उनके भाई उदयन साई को मुक्त कर दिया। सुरेंद्र साई के नेतृत्व में संबलपुर में अंग्रेजों का विरोध जारी रहा। उसे उनके भाइयों, बेटियों, रिश्तेदारों और कुछ जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। सुरेंद्र साई ने उच्च जातियों और कोसल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण करने की कोशिश के जवाब में अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देकर संबलपुर में दलित आदिवासी लोगों के लिए समर्थन किया। उन्होंने 1827 में 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। पहली बार उन्हें 1840 में गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल भेजा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान लड़ाकों ने उन्हें हजारीबाग जेल से बाहर कर दिया था। उन्होंने अपने अभियान को ओडिशा के पहाड़ी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया और 1862 में अपने आत्मसमर्पण तक अपना प्रतिरोध जारी रखा। अपने आत्मसमर्पण से पहले उन्होंने हजारीबाग में 17 साल जेल में बिताए और अपनी अंतिम गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 20 साल की अवधि की सेवा की, जिसमें उनकी मृत्यु तक सुदूर असीरगढ़ पहाड़ किले में 19 साल की हिरासत शामिल थी। 1858 के अंत तक भारतीय क्रांति का पतन हो गया और पूरे भारत में अंग्रेजों द्वारा कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी क्रांति जारी रखी। अंग्रेजों के सैन्य संसाधनों को उनके खिलाफ खींचा गया और मिस्टर फोस्टर, कैप्टन एल स्मिथ को अन्य जैसे प्रतिभाशाली जनरलों को भारत में कहीं और विद्रोहों को दबाने का श्रेय उनकी क्रांति पर मुहर लगाने के लिए संबलपुर लाया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे और सुरेंद्र साई लंबे समय तक अंग्रेजों की रणनीति को विफल करने में सफल रहे।
मेजर इम्पी ने हिंसक युद्ध को विचार को त्याग दिया और भारत सरकार को अनुमोदन से शांति के सद्भावना की नीति का साफ दिन पूर्वक पालन किया। सुरेंद्र साई इतिहास को सबसे महान क्रांतिकारी में से एक और एक योद्धा जैसे अपने जीवन में कई हार नहीं पता थी। उसने ब्रिटिश सरकार को ईमानदारी और अखंडता में पूर्ण विश्वास के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि एमपी की मृत्यु के बाद स्थितियों में अचानक बदलाव आया और ब्रिटिश प्रशासनों ने महान नायक को प्रति अपनी शत्रुता का पुनर्जीवित किया। संबलपुर को 30 अप्रैल 1862 को नवनिर्मित केंद्रीय प्रांतों के अधिकार क्षेत्रों में लाया गया। सुरेंद्र साई ने इसके तुरंत बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। हालांकि उनके बारे में कहा गया था कि उनका मोह भंग हो गया था और नई व्यवस्था पुराने उदार नीति को उलटने में लगी थी। प्रशासकों ने पाया कि सुरेंद्र साई को आत्मसमर्पण में क्रांति को समाप्त नहीं किया। वे एक साजिश रचने के लिए नीचे उतरे और सुरेंद्र साई और उनके सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और अनुयासियों को अचानक गिरफ्तार कर लिया। साई और उनके 6 अनुयासियों के बाद वीर असीगढ़ पहाड़ी किले में हिरासत में लिया गया था। साई ने उनके अपने का अंतिम भाग कैद में बताया। 1884 में 23 मई को सुरेंद्र साई की जन्मभूमि से दूर असीगढ़ किले में मृत्यु हो गई। कोसल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा किए जाने वाले भूमि के अंतिम पेज में से एक था। न ही रियासतों की गिनती, यह काफी हद तक सुरेंद्र साई के प्रयासों का कारण था। वह एक बहुत अच्छा तलवारबाज थे। क्षेत्र के लोग उन्हें प्यार से वीरा नाम से पुकारते थे। वीरा सुरेंद्र साई कहते थे।